आपके साथ। लंबे समय से जिले में चल रहे खुदरा उर्वरक बीज विक्रेता संघ और कृषि पदाधिकारी के बीच की लड़ाई अब आला कमान तक जा पहुंची है, जिसके बाद कृषि निदेशक बिहार ने पूरे प्रकरण के जांच का जिम्मा पूर्णिया जिला पदाधिकारी राहुल कुमार को सौंपा है। जांच के आदेश में सचिव कृषि विभाग बिहार का भी अनुमोदन प्राप्त किया गया है। गौरतलब है कि लंबे समय से चल रही इस लड़ाई में विभिन्न दलों के लोग, जिला के 3 विधायक सहित 2 प्रदेश स्तर के नेताओं ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए जिला पदाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद संज्ञान में लेते हुए बिहार कृषि निदेशक ने यह जिम्मा पूर्णिया जिला पदाधिकारी को सौंपा है। इस मामले में प्रेस वार्ता कर विक्रेता संघ के सदस्यों ने इन तमाम लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया है। साथ ही साथ इस लड़ाई में जिस तरह से तमाम दलों के लोग एकजुट होकर जिला के खाद विक्रेता संघ के समर्थन में खड़े हुए हैं, उसका कोटि-कोटि नमन करते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन तमाम बिंदुओं को सामने रखा जिस पर इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। सुनिए प्रेस वार्ता के मुख्य अंश। लगातार बिहार राज्य खुदरा उर्वरक बीज कीटनाशक सह कृषि सामग्री विक्रेता संघ के द्वारा लगातार जो हम लोग पूर्णिया जिला कृषि पदाधिकारी के खिलाफ उनके भ्रष्ट आचरण और भया दोहन को लेकर जो हम लोग आंदोलन चला रहे थे, उस आंदोलन की कड़ी में 23/6/2020 को कृषि निदेशक पटना के द्वारा बिहार राज्य खुदरा उर्वरक के ईमेल के माध्यम से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ था। पत्र में जिला कृषि प्राधिकारी के खिलाफ जो विक्रेताओं ने भया दोहन का आरोप लगाया था, उसकी जांच को लेकर के हम लोगों को बुलाया गया था। 27 सदस्यीय टीम साक्ष के साथ पटना कृषि निदेशक के सचिवालय पहुंचा था। सभी ने अपना अटेंडेंस बनाया। कृषि निदेशक के द्वारा बहुत ही शालीनता के साथ विक्रेताओं के साथ जो शोषण भयादोहन हो रहा था, बारी बारी से उन पर बात हुई, विचार हुआ और कृषि निदेशक ने हम विक्रेताओं को आश्वासन दिया, संगठन को आश्वासन दिया कि हम न्याय करेंगे। उन्होंने दो दो बार कहा कि हम न्याय करेंगे। लगातार जो है संगठन जो है लगातार जिला कृषि पदाधिकारी के भ्रष्ट आचरण को लेकर के सवाल खड़ा करता आया है। इसी कड़ी में 1/7/2020 को एक चिट्ठी निर्गत हुई, जिस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि जिला पदाधिकारी को अब जांच करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ उस चिट्ठी में जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, जिन्होंने संगठन के विक्रेताओं की परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि जांच होनी चाहिए, उस चिट्ठी का उनको जवाब आया हुआ है। तो सबसे पहले श्रीमती बीमा भारती जी, माननीय मंत्री सह विधायक रुपोली, मोहम्मद अफाक आलम जी, माननीय विधायक कस्बा, मोहम्मद अब्दुल सुभान जी, माननीय विधायक बायसी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद नियाज अहमद, प्रदीप कुमार जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश नगर निकाय जदयू को संगठन कोटि कोटि धन्यवाद देता है। आपने जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो मामला उठाया था, आज उसी का फल है कि कृषि निदेशक ने जिला प्राधिकारी को जांच का दायित्व सौंपा है। लगातार संगठन के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था कि पूर्णिया के जिला कृषि पदाधिकारी लगातार चालान के नाम पर, लाइसेंस रेनुअल के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा लेते हैं, जो कि सत्य है, ये प्रमाणिक है। हम लोगों ने 23/6/2020 को ये साक्ष्य प्रस्तुत किया है, सीडी प्रस्तुत की है
कि जिला कृषि प्राधिकारी पैसा लेते हैं। जिला प्राधिकारी के का जो जांच है, संगठन के विक्रेताओं को उस जांच पर पूर्ण भरोसा है। हम जानते हैं कि जिला प्राधिकारी हमें न्याय दिलवाएंगे और इन्हीं सब बातों को लेकर आज संगठन की तरफ से आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर